चलिए दोनों खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे। जो मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन शिक्षक अपनी दबंगई के चलते इन बच्चों के हक पर ही डंका डालने पर तुले हुए हैं। ताजा मामला पन्ना जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर शासकीय प्राथमिक शाला गढ़ी पडरिया से सामने आया है, जहां स्कूल के बगल में बने किचन शेड में काम करने वाली महिलाएं गीली लकड़ियों में मध्याह्न भोजन बनाने को मजबूर हैं, क्योंकि स्कूल के शिक्षकों ने गैस कनेक्शन पर अपना कब्जा जमा रखा है। गैस चूल्हा प्रधानाध्यापक के कार्यालय में रखा हुआ है, जिस पर सिर्फ शिक्षकों के लिए चाय बनाई जाती है, और समूह की महिलाएं जंगल से लकड़ी लाकर बच्चों के लिए खाना पकाती हैं। जब इस मामले में डीपीसी से बात की तो उन्होंने जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। क्या काम करती हैं यहाँ पर? हम खाना बना रहे हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ गैस क्यों नहीं है? गैस है लेकिन भट्टी नहीं है। तो कितनी दिक्कत होती है? अब दिक्कत होती है चूल्हे से खाना बनता है। किस प्रकार की दिक्कतें होती हैं? अब दिक्कत होती है, गर्मी लग रही, धुआं भी मच जाता है, गंदगी धुआं से फैलती है ना। और क्या चाहती हैं तो आप? भट्टी हमको चाहिए। ये शासकीय माध्यमिक शाला गढ़ी पडरिया, ये अभी चूल्हे में खाना बन रहा है, सिलेंडर वगैरह नहीं थे, खत्म हो गई थी, घर की आ गया है तो बन गया। अच्छा, उनका कहना है कि यहाँ पे जो सिलेंडर है उनका प्रचार उपयोग करते हैं चाय बनाने के लिए। नहीं, चाय तो बनती है, चाय तो उसमें बनती है, और चाय भर बनती है और कुछ नहीं। नहीं तो क्यों, जब वो बच्चों के खाने बनाने के लिए किया है तो क्यों प्रचार के द्वारा उसमें चाय बनाई है? क्या है कि एक सिलेंडर कम आया है, दो सिलेंडर मिलना, एक और आएगा तो बनने लगेगा। तो मुझे मेरी जानकारी में नहीं है, अभी आपने सिलेंडर दिया है तो मैं उसको पता करता हूँ, अगर ऐसा किया जा रहा है तो उसको रिसीव करके। सर, वहाँ के जो खाना बनाने वाले उन्होंने ही बताया कि वो काफ़ी दिक्कत होती है, और सिलेंडर है वो मैं इसकी अभी जाँच करा लेता हूँ, तो मैं सकता हूँ इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ है पूरा मामला। जी बिल्कुल रीत जी, मैं बता दूं कि ये गढ़ी पडरिया माध्यमिक शाला का मामला है जी, जहां पे गैस सिलेंडर तो शासन द्वारा उपलब्ध कराया गया है, लेकिन शिक्षक जो है वो जो रसोईया है खाना बनाने वाली उन्हें नहीं दे रहे हैं, और खुद के यूज में चाय बनाने यूज कर रहे हैं। जी जी, यहाँ पर देखें तो विनय जी, एक तरफ से सरकार उज्ज्वला योजना चला रही है, जगह जगह पर हर सुविधाएं देने की लोगों को कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ से यहाँ पर हम देखें तो इस तरह से हरकतें, किस तरह से इसे देखा जाए? जी बिल्कुल, जब मैं इधर पे पहुंचा गढ़ी पडरिया पाठशाला स्कूल तो देखा कि महिलाओं से बात की, और उनसे जहाँ उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर तो मिला है लेकिन जो शिक्षक वो अपने लिए खुद के लिए यूज करते हैं, और इसको जो है अपने अधीन रखे हुए हैं, हमें नहीं दिया जा रहा, हमें लकड़िया से खाना बनाना पड़ रहा है। एक तरफ देखा जाए तो प्रधानमंत्री तरह तरह की योजनाएं महिलाओं को लेकर, उज्ज्वला योजनाएं और दुनिया भर की योजनाएं जो चल रही है, लेकिन महिलाओं को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा। जी विनय, यहाँ पर शिक्षकों से आपकी कुछ बात हुई, उनका क्या कुछ कहना है इस पर? जी, जब हमने संबंध में शिक्षक से जो महेंद्र पांडे हैं उनसे बात की, तो उनका साफ तौर पर कहना रहा है कि जो एक सिलेंडर अभी मिला है दूसरा सिलेंडर आने वाला है, जैसे ही सिलेंडर मिलते हैं तो कुल मिला है, तो पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए। जी, अगर यहाँ पर विनय जी हम देखें तो एक तरफ से सरकार जो है बार बार कहती है बड़े बड़े पेड़ लगाए जाएं, हरा भरा भारत बनाया जाए, जगह जगह पेड़ लगाए जा रहे हैं, वहीं यहाँ पर देखा जाए तो शिक्षक ही मजबूर कर रहे हैं कि जंगल जा करके लकड़ियाँ काटी जाएं और लकड़ियाँ काट करके उस पर खाना बनाया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इधर देखने को मिला है कि गैस सिलेंडर मिलने के बाद भी यूज नहीं किया जा रहा है, और जो लकड़ी है उसका यूज किया जा रहा है, जिससे महिलाओं को भी काफी नुकसान है, उनके उनकी जो तबीयत है उस पर भी गलत विपरीत असर पड़ता है, और जंगल पे भी जरूर इस विपरीत प्रभाव पड़ रहे, काटे जा रहे जंगल। जी विनय, यहाँ पर अधिकारियों का, बड़े अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, कब तक कार्रवाई करेंगे, क्या उनके संज्ञान में है ये मामला? जी बिल्कुल रीत जी, जब डीपीसी जो जिला शिक्षा समन्वय है उनसे बात हुई इस संबंध में, तो उनके द्वारा बीआरसीसी से जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही गई है। जी, यहाँ पे तस्वीरें साफ नजर आ रही है किस तरह से महिलाएं यहाँ पर मजबूर हैं लकड़ियों पर खाना बनाने को, और यहाँ पर धुएं से जिस तरह उन्हें परेशानी हो रही है साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, इधर पे देखा जाए तो महिलाएं जो है वो पूरा जो कमरा है वो अंधेरा है, और महिलाएं
धुएं से उनकी आंखों पे भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और वो खुद कहती हुई दिखाई दे रही है कि हमें गैस सिलेंडर की बहुत जरूरत है, लेकिन शिक्षकों द्वारा दिया नहीं जा रहा, इसको अपने यूज में से एक तरफ से अगर हम देखें तो सरकार पूरी तरह से फंड जो है मुहैया करा रही है, सारे फंड्स दे रही है सरकार, हर तरह की सुविधाएं दे रही है, फिर भी ऐसी हरकतें शिक्षक कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से गरीब रैया माध्यमिक शाला में देखने को मिला है उससे तो साफ जाहिर होता है कि शासन की जो योजनाएं हैं उस पर किस तरीके से जो शिक्षक है प्रभारी पीता लगा रहे हैं जी को मिल रहा है। यहाँ पे तस्वीरें हमें साफ नजर आ रही हैं किस तरह से यहाँ पर परेशान होती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। एक तरफ से हम देखें तो जंगलों को बचाने की नसीहत दी जाती है, दूसरी तरफ से वहीं से लकड़ियाँ काट करके उन्हीं लकड़ियों को जलाया जाता है, उस पर मध्यान्ह भोजन जो है बनाया जाता है। वहीं हम देखें शिक्षकों की अगर बात करें तो शिक्षक उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि उन्हें पूरे फंड्स दिए जाते हैं, सैलरी दी जाती है समय पर, उसके बाद भी वो जो है बच्चों का हक मार रहे हैं, उनके हक पर जो है अपनी सारी चीजें कर रहे हैं। जीवन है जी, किस तरह से देखें इसे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पन्ना जिले के अधिकतर स्कूलों में भी देखा जाए तो यही हाल है। ताकि अपन माध्यमिक शाला जो है गरीब बढ़िया पहुंचे तो अपन ने इसको देखा और प्रमुखता से इसे उठाया। अब देखते हैं इस तरीके से कि प्रशासन इस पर क्या संज्ञान लेता है, हालांकि डीपीसी महोदय है वो जांच की बात तो कर रहे हैं जी, क्योंकि ये पहला मामला तो नहीं है, आए दिन ऐसे मामले सामने आते ही रहते हैं, पर अधिकारी सिर्फ आश्वासन ही देते रह जाते हैं कि अब ऐसा होगा, अब कार्रवाई की जाएगी, अब कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई करेंगे, पर होता कुछ भी नहीं है बना यहाँ पर। जी जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जब लोग जाते हैं उनके पास तो वो क्या ये तो वाइट देने के लिए बचते हैं, आगे तो वो वाइट देने के लिए बचते हैं, जब उन्हें मजबूर किया जाता है इसके लिए तो वो अपना पल्ला झाड़ते हुए हमेशा जांच करने की बात कहते हुए दिखाई देते हैं। और इन जो ये कर्मचारी हैं जो ये शिक्षक हैं, इन पर कार्रवाई नहीं होती है, जिससे आए दिन हौसले बुलंद होते जाते हैं कि इसके पहले भी जो है खबरें दिखाई गई हैं लेकिन कोई खासा असर नहीं पड़ता। अधिकारी जो है वो संज्ञान नहीं लेते हैं और टाल देते हैं, खुद ये सब मामलों की जानकारी होती है लेकिन ये लोग हैं ये मामलों को संज्ञान में नहीं लेते और टालते हैं किसी भी बात को जब इनकी संज्ञान में मामला लाया जाता है। जी चलिए विनय, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप डीआरसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नादी टीवी में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जी जी जी, पन्ना जिले से ये मामला सामने आया है, स्कूल में जो है मध्यान्ह भोजन के लिए बनाने के लिए मजबूर है वहाँ पर महिलाएं, और देखा जाए तो शिक्षक जो है उसके गैस हैं जो उनको सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं वो शिक्षक अपने लिए यूज कर रहे हैं, तो किस तरह से देखें ये संज्ञान में है आपके मामला? जी ऐसे तो कोई भी जो है किसी के पास नहीं है, विद्यालय में ही जी सहायता समूह को ही गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। जी पर यहाँ पे तस्वीरें साफ नजर आ रही है हमारी टीवी स्क्रीन पर, हर एक जना देख रहा है किस तरह से यहाँ पर जो है बच्चों के लिए यहाँ पर जो सुविधाएं दी गई हैं वो शिक्षक अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं। जी जी जी, किस तरह अपने उसी विद्यालय में उपलब्ध है गैस कनेक्शन, घर में नहीं ले गए हैं बल्कि है विद्यालय में रखा है। जी हमने अपने जन शिक्षक के द्वारा ये पता लगवाया है, जाके भेजा है कि अभी पता लगाओ, उन्होंने बताया कि विद्यालय में गैस कनेक्शन है बल्कि वो दोनों चीज का उपयोग करते हैं तो उनको कनेक्शन पर किसी का कब्जा नहीं है, विद्यालय में रखा है उन्हीं के पास है गैस सिलेंडर। पर अगर हम देखें तो एक तरफ से सरकार पेड़ बचा रही है ना, एक तरफ से पेड़ बनाए जा रहे हैं हर जगह, नए नए पौधे लगाए जा रहे हैं, पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो इस तरह मतलब किस तरह से देखें इससे कि यहाँ पर पेड़ काट करके और यहाँ पर अपनी जो दिनचर्या में काम है उसमें लिया जा रहा है पेड़ों को, जबकि गैस सिलेंडर होने के बाद भी। जी यदि इस तरह का उपयोग किया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रस्तावित की जाएगी। कब की जाएगी कार्रवाई कर रहे हैं तो कब की जाएगी कार्रवाई? आज टीम भेजी है हमने अपने जन शिक्षक को। पहला सर पहला मामला नहीं है, हर बार कार्रवाई के आश्वासन ही दिए जाते हैं बस। अभी जी टीम भेजा है, अगर उन्होंने किया है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, भाई इसका उपयोग ना करें लकड़ी का। हमारे हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए विनय, विनय विनय आपसे बात करना चाहेंगे, हमारे संवाददाता आपसे जुड़े। जी जी बिल्कुल, चाहूंगा जी जो है गरीब रैया का स्कूल है इसमें जो शिक्षक है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इसका यूज हम चाय बनाने के लिए करते हैं, जो उधर महिलाएं हैं वो भी इस पर तौर पे बोल रही हैं, जबकि जो शासन द्वारा जो सिलेंडर उपलब्ध कराया गया, गैस उपलब्ध कराया गया तो वो शायद टीचरों के लिए नहीं कराया गया है, जी सर वो खाना बनाने के लिए कराया गया है।
गैस चूल्हे में ही भोजन बनाया जाए, यदि इसके बाद भी कोई इसका उपयोग नहीं करता है बनाने में तो उनके विरुद्ध कार्रवाई विभाग को लेख किया जाएगा, जांच करा करके उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। सर कार्रवाई भी की जाएगी। और यहाँ पर देखिए लकड़ियां जलाने के बाद जो महिलाएं वहाँ पर भोजन बना रही हैं उन्हें भी तो तकलीफ हो रही है, वहाँ पर जो धुआं वहाँ से निकल रहा है उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, कब कार्रवाई की जाएगी मैडम? अब ये तो विभाग को लिखेंगे, अभी हम जाके वहाँ जो है भिजवाया है, हमने टीम भी गई है यहाँ से, वो देख करके जैसी कार्रवाई वैसे अवगत कराएंगे, वो वैसी कार्रवाई करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विनय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखाई पन्ना जिले की, जहां पर जो है स्कूल में मध्यान्ह भोजन बनाने के लिए महिलाएं परेशान हो रही हैं और जंगल से लकड़ियां लाने को मजबूर हैं, और सरकार की तरफ से यहां पर सारी सुविधाएं दी गई हैं, उसके बाद भी वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।